आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पंचकुला के दशहरा मैदान में होगा कार्यक्रम। इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा से, जहां गृह मंत्री और मोहन यादव को नियुक्त किया गया केंद्रीय पर्यवेक्षक, और 10 से 12 मंत्री ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रवीण जी, देखिए हरियाणा में नई सरकार का गठन जल्द ही होने वाला है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी जो है वो जल्द ही आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? अवंतिगत चुनाव तो हरियाणा में संपन्न हो चुके हैं। स्वाभाविक है, जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, मतगणना पूरी हो जाती है, तमाम जितने भी प्रत्याशी थे वो अपने अपने क्षेत्रों से अब जीतकर जो विधानसभा में पहुंच चुके हैं, और उसको लेकर सबसे पहली बात है कि विधायक दल की बैठक भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार बनाने की जो कवायद है वो पूरी तरह से पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसको लेकर दिल्ली में लगातार 3 से 4 बार बैठक की गई, मंथन किया गया कि किसे मंत्री पद से नवाजा जाए, किसे सम्मान दिया जाए और किस किस तरह से दिया जाए, तो तमाम चीजों को लेकर कवायद पिछले कई दिन से लगातार चल रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली है देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो सबसे पहले ज्यादा इसमें जिनका सबसे ज्यादा रोल रहा है, उनके जो है सबसे ज्यादा चाहते हैं, उनको ही सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो 17 अक्टूबर को अब पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसमें जो नायब सैनिक के तत्वाधान में यूं कह के नेतृत्व में जो हरियाणा में चुनाव लड़ा गया था और एक प्रचंड जीत भाजपा पार्टी को मिली है, जिसको लेकर तमाम जितने भी विधायक हैं वो काफी प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है और बेहतर अब हरियाणा प्रदेश में विकास होगा, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से जो है हरियाणा प्रदेश में भाजपा पार्टी का ही राज रहा है। अब फिर से हैट्रिक मारते हुए तीसरी बार फिर से सरकार का गठन होने जा रहा है, तो उसको लेकर तमाम प्रशासन की ओर से 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरे जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम अधिकारी वहां लगातार मौके पर जायजा ले रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी वहां पर अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, खास करके जो पार्किंग की समस्या आती है वो भी पूरी तरह से देखी जाएगी। तमाम जो लोग वहां पर दर्शक होंगे, जो उस इतिहास के पल में जो लोग दर्शक वहां बैठे होंगे, जो इस पल को अपने आंखों में लेना चाहते हैं या अपने कैमरे में समेटना चाहते हैं, वो भी लोग मौजूद होंगे, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था और तमाम जल पानी की व्यवस्था, तो तमाम चीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से इस समय वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है जो 50,000 लोगों की पहुंचने की संभावना बताई जा रही, हो सकता है इससे भी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत भारी उम्मीद थी कि सरकार प्रचंड रूप से आएगी तो अच्छा विकास होगा, तो उसको लेकर लोगों में भाजपा के प्रति जो उत्साह देखा जा रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की काफी भारी संख्या में भीड़ भी देखी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि 10 से 12 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ दे सकते हैं, लेकिन मंत्री पद किस किस को नवाजा जाएगा, कौन मंत्री बनेगा और किस तरह का बनेगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, किस कौन सा विभाग दिया जाएगा, तो ये तमाम चीजें जो है अभी पूरी तरह से जो सामने नहीं पाई है, लेकिन सूत्रों से ये कंफर्म हो चुका है कि लगभग 10 से 12 मंत्री जो है वहां पर शपथ लेंगे, और उसके बाद शपथ लेने के बाद अगले दिन से इनको विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा, किसे कौन कौन सा विभाग देना है ये तय करेगा। लेकिन इस समय केंद्रीय गृह मंत्री जो है अपने अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहनलाल जो मध्य प्रदेश के हैं, ये दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको इनकी ड्यूटी दी गई, इनको कहा गया कि जाइए और सरकार के जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करवाइए, तो उन दोनों की देखरेख में जो है ये जो शपथ ग्रहण भी होगा, तो तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्री भी वहां पर इस शपथ ग्रहण के समारोह में मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर तमाम प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी जोर शोर से चल रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने का कहना है कि किसी प्रकार की कमी ना रह जाए तो उसको लेकर व्यवस्था पूरी बनाई जा रही है। पहले तो ये 15 अक्टूबर को होने का तय हुआ था, लेकिन जो तारीख है उसमें बदलाव आया और अब ये 17 अक्टूबर को होने वाला है, इसके पीछे क्या कुछ कारण था? देखिए, तारीख पे तारीख जरूर बदली है, ये भी एक चिंता का विषय और ये कहना कि चर्चा का विषय हरियाणा में जरूर बना है कि जहाँ स्पष्ट बहुमत होने के बाद क्यों तीसरी बार जो है वो समय में कार्यक्रम में बदलाव किया गया। लेकिन इसमें ये चीजें सामने आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री का जो है वो कार्यक्रम जो है वो प्रोटोकॉल नहीं मिल पाया था, वो उनका लगातार कहने के कार्यक्रम पहले से ही तयशुदा थे
तो उसको लेकर तीन बार इसमें बदलाव करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है और इस कारण से ये जो समय है, दिन है, ये निर्धारित किया गया है। प्रवीण जी, बिल्कुल, वाल्मीकि जयंती की भी हम बात कर लेते हैं। उस दिन वाल्मीकि जयंती है, कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया और उनका भी काफी अच्छा सहयोग रहा है, तो ये भी एक सीधा निशाना साधने का प्रयास होगा कि बहुत बेहतर दिन है तो उस दिन ये जो कार्यक्रम किया जा रहा, तो ये कहना कि समाज में एक अलग से एक मैसेज देने का प्रयास होगा कि जो सरकार है वो सभी जितने 37 बिरादरी है सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का काम करती है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए विकास होगा, तो तमाम जो चीजें हैं वो भी इसको साधने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि जो दिवस है उस दिन काफी पूरे हरियाणा प्रदेश में जगह जगह वाल्मीकि दिवस के ऊपर जगह जगह कार्यक्रम तो आयोजित होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्यक्रम रहेगा वो शपथ ग्रहण का रहेगा, क्योंकि प्रदेश में पिछले काफी समय से जो नई सरकार के गठन को तैयारियां चल रही थी, लोगों को काफी उम्मीद थी कि जल्द नई सरकार का गठन होगा और विकास कार्य जो वादे जो भाजपा सरकार ने किए कि तमाम समुदायों का विकास किया जाएगा, किसी प्रकार के हरियाणा में, प्रदेश में खास करके किसी प्रकार के विकास में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी, तो उसको लेकर आप उसका गठन होना यानी कि सरकार का बैठना और विभागों में जाके काम करवाना भी बेहद जरूरी, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो चुनाव प्रक्रिया रही है, आचार संहिता भी है, तो लोगों का जो काम है क्षेत्रों में वो पूरी तरह से बंद था। हालांकि चुनाव आचार संहिता तो हटा दी गई है, लेकिन अब जो नए सिरे से विकास होने हैं जिसको लेकर लोगों की हरियाणा प्रदेश के नए मंत्रिमंडल पर एक उम्मीद और एक आस लगी हुई है, तो उसको लेकर जैसे शपथ ग्रहण होगा तो तमाम जो कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। हालांकि जो फिलहाल जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो अपने नायब सिंह सैनी, इनका कहा था कि मैं शपथ जब लूंगा जब 25,000 नौकरी जो लोगों के लिए जो रिजल्ट रुका हुआ था उसको देने के बाद शपथ लूंगा, तो वो भी ये देखने लायक बात होगी क्या ये संभव हो पाएगा या मंत्रिमंडल के गठन के बाद हो पाएगा। जी अवंतिका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में नई सरकार का गठन जो है वो जल्दी होने वाला है और ये समय जो है 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है और अधिक से अधिक लोगों की आने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि अचानक से तीन बार जो है समय बदलाव हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को जो है वो वाल्मीकि जयंती है, इसीलिए जो समय है वो निर्धारित की गई है और इसके साथ ही तमाम जो विधायक है वो भी मंत्री पद शपथ लेने वाले हैं।